हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुल्तान। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अबाज़फ़र ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिन के कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 633 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबाज़फ़र, राइटर भी अली अबाज़फ़र ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी, ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत, म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 633 करोड़ की। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड यानी कि आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी, ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, उस सुल्तान की बीवी होंगी एंड इस रणदीप हुड्डा एज अ फिफ्थ सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे, अमित साध एज अ आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे, मुरावी लाल परेख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोज, नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, टेरून उदिली एज अ टेलोन इसके साथ, सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत जैनब वो आपको टिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके साथ इवान जैनब वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है, जिसने दो टूक अल्फाज में इनकार कर दिया, तो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी चेयरमैन की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है, जो बताता है कि वो सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती
सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इब्तदाई तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है, लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पोरज़्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पोरज़्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर लिया। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो उर्फा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है, जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था, जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वोडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरगीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिर ने लिखे हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलो यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में
दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले MMA टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्ती की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली आबाद जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मस्त जैसे मिले और इसने दुनिया भर में 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली आबाद जफर। राइटर भी अली आबाद जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। निमिन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016 है। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 630.33 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीक एंड मरखू जरू एज अ मरकूस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ सिलजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैनब वो आपको तिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैनब वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो मुझे देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है।
जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी चेयरमैन की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन, जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी, से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक फ्लाई तो इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है, लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो कोरज़म है, तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए कोरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है, तो रफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है, जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था, उसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां आकाश ने इसे में इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सनसनी बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वोडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलो यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टा
लून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तब खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अब्बास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 633 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। वैसे अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अब्बास जफर। राइटर भी अली अब्बास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील। एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल। एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस। एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत आई वो 90 करोड़ की लागत आई। उसने बॉक्स ऑफिस 633 करोड़ का बिजनेस किया। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी। एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीक एंड मरखू जरू एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ। सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर ना बता लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं।
आकाश ओबराय मिस्टर पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीब दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान को अकेले कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इब्तदाई तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो कोरज़म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए कोरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर लिया। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नौमौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहां आकाश ने इसे में इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वोडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरगीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है जबकि इसके बोल अरशाद कामिर ने लिखे हैं। साउंडट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद काबिल ने लिखी हैं।
तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दास तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे के अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला जिसने जाति वाबस्ती की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायत करी अली अबास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी है। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। वैसे अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 630.33 करोड़। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी एंड दीप हुड्डा एज अ फिफ्थ सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साथ एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीक एंड मरखू जरू एज अ मरकूस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ सनजी खान एज अ सुल्तान अरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैनब वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ
इवान जो है ना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं। आकाश ओबराय मिस्टर पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इफ्ताही तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पुरअज़्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पुरअज़्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो पिता MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहां आकाश ने इसे में इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सनसनी बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वुडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरगीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे।
6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद काबिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायत करी अली आबाद जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसब जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबाज जफर। राइटर भी अली अबाज जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत आई वो 90 करोड़ की लागत आई। उसने बॉक्स ऑफ 630.33 करोड़ का बिजनेस किया। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, उसी खान की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल रेख एंड मरखू जरूर एज अ मरकूज
नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, टेरून ओदिली एज अ तेलोन इसके साथ, सनजी खान एज अ सुल्तान अरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, समीत जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की तो पेशकश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक तरह तो इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पुरज़म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पुरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामला है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी गर्दकारी के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नोमलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसोसा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टैरून वडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरगीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है।
सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे हैं। साउंडट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं, तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों, ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली आबाद जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसल जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। वैसे अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कामिल। एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल। एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस। एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 630.33 करोड़। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी।
एंड रणदीप हुड्डा एज अ फिफ्थ सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परेख एंड मरखू जरू एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ डेलोन, इसके साथ सनजी खान एज अ सुल्तान अरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। सुमित जैना वो आपको तिनकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की तो कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया तो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी चेयरमैन की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इब्तदाई तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पुरअज़्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पुरअज़्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था। उसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अज़्म को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टैरून वडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है।
फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरबियत दी है जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे है। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में जगह ली गई मरचटला जिसने जाति वाबस्तगी की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायत करी अली अबास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कामिल एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत आई वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफ 6 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस
अगर फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड आरफा हस्बैंड यानी कि आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी, ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी। एंड रणदीप हुड्डा एज अ फिफ्थ सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ संजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ ईवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टप पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टूक अल्फाज में इनकार कर दिया तो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान को अकेले कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक तरह तो इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पोरज़म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पोरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी गर्दकारी के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहाँ आकाश ने इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरून वडूल
के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोन्स ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के लिए शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मर्चटला जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायत करी अली अबास जफर ने दी है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। वैसे अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कामिल एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। निमिन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्री
डिस्ट्रीब्यूट बाई सिराज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 6.23 करोड़ का प्रदर्शन किया। गाइस अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड आरफा हस्बैंड यानी कि आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी। एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीक एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। टेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ। संजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैना वो आपको टिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया तो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि वो सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक फ्लाई तो इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो कोरज्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए कोरज्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा एमएमए करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और
और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं, तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलो येस्टरा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस्टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबले खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों, ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अबास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसब जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। वैसे अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कामिल। एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। इनमें मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका
मर्द मुकाबिल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। आज सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल, एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत, म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस, एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की जो लागत आई वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 6.33 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड आरफा हस्बैंड यानी कि आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी। एंड इसमें रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे, अमित साध एज आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे, मुरावी लाल परेख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस, नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ, सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, सुमित जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टप पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि वो सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इब्तदाई तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो कोरज़म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए कोरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसोसा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी
रकम इस का ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकस के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां काश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर काश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे है। साउंडट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं, तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलो यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे के अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तमाम मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले MMA टाइस्टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के गुरु ग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मर्चटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों, ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अबाजफ ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले सबक आलमी रेसलिंग चैम्पियन है। ज
चिन के कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदिन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अब्बास जफर। राइटर भी अली अब्बास जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। इनमें मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबिल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है। जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 630.33 करोड़। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, सुल्तान की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परीख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। टेरून उदिली एज अ टेलोन इसके साथ सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। सुमित जैना वो आपको टिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया तो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इस्तेमाली तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो परज्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए परज्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी गर्रत तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप
था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नोमलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था, जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहाँ आकाश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वुडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंड ट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंड ट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोन्स ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद काबिल ने लिखी हैं, तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे के अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले MMA टाइस्टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबले खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन। बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों, ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है,
जिसकी हिदायत करी अली अब्बास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मस्त जैसे मिले और इसने दुनिया भर 633 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अब्बास जफर। राइटर भी अली अब्बास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। इनमें मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। क्योंकि आज सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत आई वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफ 633 करोड़ का बिजनेस किया। अगर फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया, जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी एंड इसमें रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साध एज आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परेख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ संजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैनब वो आपको टिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैनब वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर ना बता लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी चेयरमैन की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक तय तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पोरज्म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पोरज्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ इरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो इरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के
अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है, जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था, उसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में आरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इफ्तिताह MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। 2 माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सनसनी बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वुडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिर ने लिखे। साउंडट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद काबिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में दीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे के अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले MMA टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था।
फरवरी 2016 में की जगह ली गई मर्चेंटला, जिसने जाति व वस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अब्बास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 633 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अब्बास जफर, राइटर भी अली अब्बास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी, ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत, म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 633 करोड़ की। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी, ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, उस सुल्तान की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे, अमित साध एज अ आकाश भेरोई फरू के रोल में नजर आएंगे, मुरावी लाल परीख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस, नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, तेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ, सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, सुमित जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर ना बता लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है, जिसने दो टूक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो इस्तेमाली तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजहरा करती है, लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो परज्म है तो वो इसकी तोहिन करती है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए परज्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ
एरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो रफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है, जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। वो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता। ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नो मौलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था। उसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इफ्तिताह MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वोडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे हैं। साउंडट्रैक अल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। अल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे के अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले MMA टाइस्टरून वॉडले को साइन किया गया है,
जनी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबिल खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के लिए शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला, जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायत करी अली अबास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबिल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज, जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है, जिनके कामयाब करियर ने इनकी जाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी है। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मस्त जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म है। अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर, राइटर भी अली अबास जफर ही है, लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबिल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी, ठीक हो गया। सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत, म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफ 6.33 करोड़। अगर फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना वो अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी, ठीक हो गया। जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, वो सुल्तान की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फीत सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे, अमित साद एज अ आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे, मुरावी लाल परीक एंड मरखू जरूर एज अ मरकोस, नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, टेरून उदिली एज अ तेलोन इसके साथ सनजी खान एज अ सुल्तान आरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, समीत जैना वो आपको तुमकी के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर न बता लें तो मुझे देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे। आकाश ओबराय मिस्टर टक पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है, जिसने दो टूक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो स्थायी तौर पर इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है, लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है।
जब वो दावा करता है कि वो कोरज़म है तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए कोरज़म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है तो रफा को पता चलता है कि वो हामला। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तो तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नोमलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है जहाँ आकाश ने इनसे इनकार कर देता है लेकिन इसके अजम को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की हिमायत हासिल करके मुल्क भर में एक सनसनी बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वुडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे हैं। साउंडट्रैक अल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। अल्बम में 14 गाने शामिल हैं जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं। तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलू यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था।
ताहम मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबले खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूम जो कि हमने आपको दी, यकीन आपको पसंद आई होगी। सुल्तान एक 2016 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी अली अबास जफर ने की है। यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस कर इस फिल्म में सलमान खान अनुष्का शर्मा के मद मुकाबल टाइटल किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सुल्तान अली खान पर मरकूज जो एक अफसानवी पहलवानी पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले साबिक आलमी रेसलिंग चैंपियन है जिनके कामयाब करियर ने इनकी ज़ाती जिंदगी में दरार पैदा कर दी। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन के मसले जैसे मिले और इसने दुनिया भर 630.33 करोड़ कमाए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं भारतीय फिल्म। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है अली अबास जफर। राइटर भी अली अबास जफर ही है लेकिन इनका साथ दे रही है अरशाद कमील एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा की तरफ से है। मेन किरदार अदा करते आपको सलमान खान नजर आएंगे, अनुष्का शर्मा इनका मद मुकाबल भी होंगी, इनकी बीवी भी होंगी, इनकी हीरोइन भी होंगी। क्योंकि आज सिनेमोग्राफी की बात करें तो सिनेमोग्राफी इस मूवी में जिसने की है उनका नाम है अर्तुल एंड एडिट बाई जिसने एडिट की है उनका नाम है रिमेश्वर एस भगत। म्यूजिक जिसने इस मूवी को दिया है उनका नाम है जूलिस एंड इसके साथ प्रोडक्शन कंपनी तो वो है यश राज फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट बाई यश राज फिल्म्स की तरफ से ही है। रिलीज की डेट है वो 6 जुलाई 2016। इसका रनिंग टाइम 117 मिनट्स का है। कंट्री इसकी भारत है, जबान इसकी हिंदी है। इस फिल्म की बजट लागत है वो 90 करोड़ की लागत है। उसने बॉक्स ऑफिस 633.33 करोड़ का बिजनेस किया। अगर फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सलमान खान इस फिल्म में सुल्तान अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड आरफा हस्बैंड इनके आरफा जो है ना अनुष्का होगी और वो जो है ना सलमान खान की बीवी होंगी। ठीक हो गया, जो अनुष्का शर्मा है इस मूवी में आपका आरफा अली खान के रोल में आपको नजर आएंगे, उसी काम की बीवी होंगी एंड रणदीप हुड्डा एज अ फिफ्थ सिंह सुल्तान कोच के रोल में आपको नजर आएंगे। अमित साद एज अ आकाश भेरोई परू के रोल में नजर आएंगे। मुरावी लाल परेख एंड मरखू जरूर एज अ मरकोज। नवीन ओलियान एज अ सुल्तान फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। तेरुन उदिली एज अ तेलोन इसके साथ सनजी खान एज अ सुल्तान अरफा डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। समीत जैना वो आपको टिंकी के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके साथ इवान जैना वो आपको मिसेस पटेल के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर ना बता लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सुल्तान अली खान एक दरमियानी उम्र के मकामी पहलवान और साबिक रेसलिंग चैंपियन है जो हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे में तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं। आकाश ओबराय मिस्टर टप पटेल की हिमायत याफ्ता एक निजी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग के बानी इनके वालिद ने सुल्तान को इसकी मकबूलियत को बचाने के लिए भर्ती करने की तरगीब दी है। हरियाणा का सफर करने के बाद वो सुल्तान को भर्ती की कोशिश करता है जिसने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। वो कहा कि वो रेसलिंग से मुकम्मल तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अपनी रिटायरमेंट की वजह से तलाश में आकाश का सामना सुल्तान के करीबी दोस्त भुवन से होता है जो बताता है कि वो सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। भुवन
के मुताबिक 2008 में सुल्तान को अरफा हुसैन, जो एक रियासती सतह की रेसलर और एक मकामी रेसलिंग कोच की बेटी थी, से मोहब्बत हो गई। अगरचे वो एक तो इसके साथ सर्द रवि का मुजाहरा करती है, लेकिन वो सुल्तान को एक दोस्त के तौर पर कबूल करती है। जब वो दावा करता है कि वो पोरज़्म है, तो वो इसकी तोहिन करती है ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पहलवान से शादी करेगी। इसका एहतराम जीतने के लिए पोरज़्म सुल्तान ने खुद को शदीद तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। बला आखिर एक रियासी सतह पर रेसलिंग टूर्नामेंट और साथ ही अरफा भी जीत लिया। दोनों ने शादी कर ली। मुख्तलिफ बैन अवी खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहचाने जाने वाले पहलवान बन गए। जब दोनों को ओलंपिक दस्ते के लिए मुंतखब किया जाता है, तो अरफा को पता चलता है कि वो हामिल है। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के ख्वाब को तर्क कर देती है, जिसे सुल्तान ने फिर पूरा किया। इसकी हैरत में सुल्तान की कामयाबी इससे मगरूर बनाती है और वो एक तकरीब में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारता है। तुर्की में तलाई तमगा जीतने के लिए अरफा को अपनी मुकर्रर तारीख के करीब छोड़ देता ब्लड ग्रुप था जो ओ नेगेटिव है। वापस आने पर इसे मालूम हुआ कि इसका नोमलूद बेटा शदीद खून की कमी की वजह से मर गया था। बच्चे का एक नायाब सुल्तान के जैसा था, जिसकी अदम मौजूदगी ने बच्चा हत्या करने वाले से महरूम कर दिया। गुस्से में अरफा ने सुल्तान को छोड़कर अपने वालिद के साथ रहने का फैसला किया। अपनी बीवी और बच्चे को खोने से अफसुदा सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। मौजूदा दौर में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट के इनामी रकम इसका ब्लड बैंक खोलने का ख्वाब पूरा करेगी। सुल्तान शिरकत के कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो इब्तदा MMA करने पर राजी हो जाता है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए सफर करता है, जहां आकाश ने इनसे इनकार कर देता है, लेकिन इसके अज़्म को देखकर राजी हो जाता है। दो माह की तरबियत के बाद सुल्तान ने अपना जिस्म दोबारा हासिल किया और फ्री स्टाइल कश्ती करना सीखा। अपनी पहली फाइट में सुल्तान ने कैप्योर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को शिकस्त दी। वो जल्द ही मैचों की सीरीज जीत कर और इस अमल में अरफा की मैच हासिल करके मुल्क भर में एक सिलसिला बन जाता है। मुखालिफ टायरोन वोडूल के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान फाइट जीत जाता है, लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और इसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा लड़ना नहीं चाहिए, वरना इसकी चोटें जानलेवा हो जाएं। अरफा वर्ल्ड में पहुंचकर इसे लड़ते रहने की तरकीब देती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और बिलाखिर टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलकर सुल्तान ने इनामी रकम का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड बैंक खोला और अरफा ने रेसलिंग दोबारा शुरू की। कुछ साल बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे सुल्तान एक पहलवान के तौर पर तरबियत देना शुरू कर देता है। सुल्तान की मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है, जबकि इसके बोल अरशाद कामिल ने लिखे। साउंडट्रैक एल्बम 31 मई 2016 को रिलीज हुआ था। एल्बम में 14 गाने शामिल हैं, जिनमें से 9 असल साउंडट्रैक के साथ शामिल थे। 6 जून 2016 को असल साउंडट्रैक की रिलीज के बाद सलमान खान के गाए हुए 4 गाने ने रिलीज किए गए। राहत फतेह अली खान का गाया हुआ बोंस ट्रैक रुला पाएंगे 30 जून 2016 को रिलीज हुआ। तमाम गजलें इरशाद कामिल ने लिखी हैं, तमाम मौसीकी विशाल शेखर ने तरतीब दी है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अदाकार सोलो यस्ट्रा स्टालून को खान के इन स्क्रीन कोच के तौर पर फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर आई थी। तमाम फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजा मुखर्जी ने वाजे किया कि स्टालून इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बाद में संजय दत्त तब खान के इसरार के मुताबिक कोच का किरदार अदा करने की अफवाह थी। तमाम खान के बाद में
इतला दी कि इन्होंने दत्त के किरदार के लिए आदित्य चोपड़ा से कभी इसरार नहीं किया। दिसंबर 2015 में प्रदीप हाडा को बाद में फिल्म में खान के कोच का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया। काई पूछे कि अमित साहत शोहरत को मुबीना तौर पर नौजवान सुल्तान के किरदार के लिए साइन किया गया था। तब मार्च 2016 में इन्होंने तस्दीक की कि वो खान के छोटे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में देगा जंगजू के साथ खान के मुकाबले एमएमए टाइस टरून वॉडले को साइन किया गया है। जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के मुकाबले खातून मरकजी किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया था। एक पलवान के किरदार के फिल्म के कोरियोग्राफर के तौर पर साइन बोस के शर्मा ने इस फिल्म के लिए रेसलिंग का सबक लिया था। फरवरी 2016 में की जगह ली गई मरचटला जिसने जाति वाबस्तियों की वजह से फिल्म छोड़ी। दोस्तों ये है जी सुल्तान मूवी के मुकम्मल स्टोरी और मुकम्मल मालूमात जो कि हमने आपको दी। यकीन आपको पसंद आई होगी।